प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है इंद्रजाल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। गांव के बाहर एक छोटे से बंजर में कंजरों का दल पड़ा था। उस परिवार में टट्टू, भैंसे और कुत्तों को मिलाकर 21 प्राणी थे। उनका सरदार मैकू लंबी चौड़ी हड्डियों वाला एक अधेर पुरुष था। दया माया उसके पास फटकने नहीं पाती थी। उसकी घनी दाढ़ी और मूछों के भीतर प्रसन्नता की हंसी छिपे ही रह जाती। गांव में भीख मांगने के लिए जब कंजरों की स्त्रियां जाती तो उनके लिए मैकू की आज्ञा थी कि कुछ न मिलने पर अपने बच्चों को निर्दयता से गृहस्थ के द्वार पर जो स्त्री न पटक देगी उसको भयानक दंड मिलेगा। उस निदय झुंड में गाने वाली एक लड़की थी और एक बांसुरी बजाने वाला युवक। ये दोनों भी गा बजाकर जो पाते वह मैकू के चरणों में लाकर रख देते। फिर भी गोली और बेला की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन दोनों का नित्य संपर्क ही उनके लिए स्वर्गीय सुख था। इन घुमक्कड़ों के दल में ये दोनों विभिन्न रुचि के प्राणी थे। बेला बेड़िन थी। माँ के मर जाने पर अपने शराबी और अकर्मण्य पिता के साथ वह कंजरों के हाथ लगी। अपनी माता के गाने बजाने का संस्कार उसकी नस नस में भरा था। वह बचपन से ही अपनी माता का अनुकरण करती हुई अलापती रहती थी। शासन की कठोरता के कारण कंजड़ों का डांका और लड़कियां चुराने का व्यापार बंद हो चला था। फिर भी मैकू अवसर से नहीं चूकता, अपने दल की उन्नति में बराबर लगा ही रहता। इस तरह गोली के बाप के मर जाने पर जो एक चतुर नट था, मैकू ने उसकी खेल की पिटारी के साथ गोली पर भी अधिकार जमाया। गोली महुअर तो बजाता ही था, पर बेला का साथ होने पर उसने बांसुरी बजाने में अभ्यास किया। पहले तो उसकी नट विद्या में बेला भी मनोयोग से लगी, किंतु दोनों को भानुमती वाली पिटारी ढोकर दो चार पैसे कमाना अच्छा न लगा। दोनों को मालूम हुआ कि दर्शक उस खेल से अधिक उनका गाना पसंद करते हैं। दोनों का झुकाव उसी ओर हुआ, पैसा भी मिलने लगा। इन नवागंतुक बाहरियों की कंजरों के दल में प्रतिष्ठा बढ़ी। बेला सांवली थी, जैसे पावस की मेघमाला में छिपे हुए आलोक पिंड का प्रकाश निखरने की अदम्य चेष्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्वेलित हो रहा था। गोली के स्नेह की मदिरा से उसकी कजरारी आंखें लाली से भरी रहती। वह चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो हंसती हुई, एक मिठास उसके चारों ओर बिखरी रहती। फिर भी गोली से अभी उसका ब्याह नहीं हुआ था। गोली जब बांसुरी बजाने लगता तब बेला के साहित्यहीन गीत जैसे प्रेम के माधुर्य की व्याख्या करने लगते। गांव के लोग उसके गीतों के लिए कंजरों को शीघ्र हटाने का उद्योग नहीं करते। जहां अपने अन्य सदस्यों के कारण कंजरों का वह दल घृणा और भय का पात्र था, वहां गोली और बेला का संगीत आकर्षण के लिए पर्याप्त था। किंतु इसी में एक व्यक्ति का अवांछनीय सहयोग भी आवश्यक था। वह था भूरे। छोटी सी ढोल लेकर उसे भी बेला का साथ करना पड़ता। भूरे सचमुच भूरा भेड़िया था। गोली अधरों से बांसुरी लगाए अर्ध निमिलित आंखों के अंतराल से बेला के मुख को देखता हुआ जब हृदय की फूंक से बांस के टुकड़े को अनुप्राणित कर देता तब विकट घृणा से ताड़ित होकर भूरे की भयानक थाप ढोल पड़ जाती। क्षण भर के लिए दोनों जैसे चौंक उठते। उस दिन ठाकुर के गढ़ में बेला का दल गाने के लिए गया हुआ था। पुरस्कार में कपड़े रुपये तो मिले ही, बेला को एक अंगूठी भी मिली थी। मैकू उन सबको देखकर प्रसन्न हो रहा था। इतने में सिरकी के बाहर कुछ हल्ला सुनाई पड़ा। मैकू ने बाहर आकर देखा कि भूरे और गोली में लड़ाई हो रही थी। मैकू के कर्कश स्वर से दोनों भयभीत हो गए। गोली ने कहा, भूरे ने मुझको गालियां दी फिर भी मैं ना बोला, इस पर उसने मुझे पैर से ठोकर लगा दी और यह समझता है कि मेरी बांसुरी के बिना बेला गा ही नहीं सकती।
मुझसे कहने लगा कि आज तुम ढोलक बेताल बजा रहे थे। भोरे का कंठ क्रोध से भर्राया हुआ था। मैकु हंस पड़ा। वह जानता था कि गोली युवक होने पर भी सुकुमार और अपने प्रेम की माधुरी में विह्वल, लजीला और निरह था। अपने को प्रमाणित करने की चेष्टा उसमें थी ही नहीं। वह आज जो कुछ उग्र हो गया इसका कारण है केवल भूरे की प्रतिद्वंद्विता। बेला भी वहां आ गई थी। उसने घृणा से भूरे की ओर देखकर कहा, तो क्या तुम सचमुच बेताल नहीं बजा रहे थे? मैं बेताल न बजाऊंगा तो दूसरा कौन बजाएगा? अब तो तुमको नए यार न मिले हैं बेला। तुझको मालूम नहीं कि तेरा बाप मुझसे तेरा ब्याह ठीक करके मर गया। इसी बात पर मैंने उसे अपना नेपाली का दोगला टट्टू दे दिया था, जिस पर अब भी तू चढ़कर चलती है। भूरे का मुंह क्रोध के झाग से भर गया था। वह और भी कुछ बकता, किंतु मैको की डांट पर ही वह चुप हो गए। उस निर्जन प्रांत में जब अंधकार खुले आकाश के नीचे तारों से खेल रहा था, तब बेला बैठी कुछ गुनगुना रही थी। कंजरों की झोपड़ियों के पास ही पलाश का छोटा सा जंगल था। उनमें बेला के गीत गूंज रहे थे। जैसे कमल के पास मधुकर को जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह गोली भी कब मानने वाला था। आज उसके निरह हृदय में संघर्ष के कारण आत्मविश्वास का जन्म हो गया था। अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक अधिकार के लिए झगड़ने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसका छुरा कमर में था, हाथ में बांसुरी थी। बेला की गुनगुनाहट बंद होते ही बांसुरी में गोली उसी तान को दोहराने लगा। दोनों वन विहंगम की तरह उस अंधेरे कानन में किलकारने लगे। आज प्रेम के आवेश ने आवरण हटा दिया था। वे नाचने लगे। आज तारों की क्षण ज्योति में हृदय से हृदय मिले, पूर्ण आवेग में। आज बेला के जीवन में यौवन का और गोली के हृदय में पौरुष का प्रथम उन्मेष था। किंतु भूरा भी वहां आने से नहीं रुका। उसके हाथ में भयानक छुड़ा था। आलिंगन में आबद्ध बेला ने चित्कार किया। गोली छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, किंतु घाव ओछा लगा। बाघ की तरह झपट कर गोली ने दूसरा वार किया। भूरे संभाल ना सका, फिर तीसरा वार चलाना ही चाहता था कि मैको ने गोली का हाथ पकड़ लिया। वह नीचे सिर किए खड़ा रहा। मैको ने कड़क कर कहा, बेला, भूरे से तुझे ब्याह करना ही होगा, यह खेल अच्छा नहीं। उसी क्षण सारी बातें गोली के मस्तक में छाया चित्र सी नाच उठी। उसने छोड़ा धीरे से गिरा दिया, उसका हाथ छूट गया। जब बेला और मैको भूरे का हाथ पकड़कर ले चले, तब गोली कहाँ जा रहा है इसका किसी को ध्यान न रहा। कंजर परिवार में बेला भूरे की स्त्री मानी जाने लगी। बेला ने भी सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया, परंतु उसे पलाश के जंगल में संध्या के समय जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उसे जैसे सायकाल में एक हल्का सा उन्माद हो जाता। भूरे या मैको भी उसे वहां जाने से रोकने में असमर्थ थे। उसकी दृढ़ता भरी आंखों से घोर विरोध नाचने लगा। बरसात का आरंभ था। गांव की ओर से पुलिस के पास कोई विरोध की सूचना भी नहीं मिली थी। गांव वालों की छुरी, हंसिया और काठ कबार के कितने ही काम बनाकर वे लोग पैसे लेते थे। कुछ अन्न यूं ही मिल जाता। चिड़िया पकड़कर, पक्षियों का तेल बनाकर, जड़ी बूटी की दवा तथा उत्तेजक औषधियों और मदिरा का व्यापार करके कंजरों ने गांव तथा गढ़ के लोगों से सद्भाव भी बना लिया था। सबके ऊपर आकर्षण बांसुरी जब उसके साथ नहीं बजती थी, तब भी बेला के गले में एक ऐसी नई टीस उत्पन्न हो गई थी जिसमें बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता था। अंतर में भरे हुए निष्फल प्रेम से युवती का सौंदर्य निखर आया था। उसके कटाक्ष अलस, गति मदिर और वाणी झंकार से भर गई थी। ठाकुर साहब के गढ़ में उसका गाना प्रायः हुआ करता था। छीट का घांघरा और चोली, उस पर गोटे से ढकी हुई ओढ़नी सहज ही खिसकती रहती। कहना ना होगा कि आधा गांव उसके लिए पागल था। बालक पास से, युवक ठीक ठिकाने से और बूढ़े अपनी मर्यादा आदर्शवादिता की रक्षा करते हुए दूर से उसकी तान सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घात लगाए रहते।
गढ़ के चौक में जब उसका गाना जमता तो दूसरा काम करते हुए अन्य मनस्कता की आड़ में मनोयोग से और कनखियों से ठाकुर उसे देख लिया करते। मैकू घाघ था, उसने ताड़ लिया। उस दिन संगीत बंद होने पर, पुरस्कार मिल जाने पर और भूड़े के साथ बेला के गढ़ के बाहर जाने पर भी मैकू वहीं थोड़ी देर तक खड़ा रहा। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, क्या है? सरकार कुछ कहना है क्या? यह छोकरी इस गांव से जाना नहीं चाहती, उधर पुलिस तंग कर रही है। जाना नहीं चाहती क्यों? वह तो घूम घाम कर गढ़ में आ जाती है, खाने को मिल जाता है। मैकू आगे की बात चुप होकर कुछ कुछ संकेत भरी मुस्कुराहट से कह देना चाहता था। ठाकुर के मन में हलचल होने लगी। उसे दबाकर प्रतिष्ठा का ध्यान करके ठाकुर ने कहा, तो मैं क्या करूं? सरकार, वह तो सांझ होते ही पलाश के जंगल में अकेली चली जाती है, वहीं बैठी हुई बड़ी रात तक गाया करती है। एक दिन सरकार धमका दे, हम लोग उसे ले देकर कहीं आगे चले जाएं। अच्छा, मैं को जाल फैलाकर चला गया। हजार की बोहनी की कल्पना करते वह अपनी सिरकी में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। बेला के सुंदर अंग की मेघमाला प्रेम राशि की रजत रेखा से उद्भासित हो उठी। उसके हृदय में वह विश्वास जम गया था कि भूरे के साथ घर बसाना गोली के प्रेम के साथ विश्वासघात करना है। उसका वास्तविक पति तो गोली ही है। बेला में यह उच्छृंखल भावना विकट तांडव करने लगी। उसके हृदय में वसंत का विकास था, जंगल में मलयानील की गति थी, कंठ में वनस्थली की काकली थी, आंखों में कुसुमोत्सव था और प्रत्येक आंदोलन में परिमल का उद्गार था। उसकी मादकता बरसाती नदी की तरह वेगवती थी। आज उसने अपने जूड़े में जंगली करौंदे के फूलों की माला लपेटकर भरी मस्ती में जंगल की ओर चलने के लिए पैर बढ़ाया तो भूरे ने डांट कर कहा, कहाँ चली? यार के पास, उसने छूटते ही कहा। बेला के सहवास में आने पर अपनी लघुता को जानते हुए महसूस कर भूरे ने कहा, तू खून कराए बिना चैन न लेगी? बेला की आंखों में गोली का और उसके परिवर्धमान प्रेमांकुर का चित्र था, जो उसके हट जाने पर विरह जल से हरा भरा हो उठा। बेला पलाश के जंगल में अपने बिछोड़े हुए प्रियतम के उद्देश्य से दो चार विरह वेदना की तानों को प्रतिध्वनि छोड़ आने का काल्पनिक सुख नहीं छोड़ सकती थी। उस एकांत संध्या में बरसाती झिल्लियों की झनकार से वायुमंडल गूंज रहा था। बेला अपने परिचित पलाश के नीचे बैठकर गाने लगी, चिन्हत ना ही बदल गए नैना। ऐसा मालूम होता था कि सचमुच गोली उस अंधकार में अपरिचित की तरह मुंह फिराकर चला जा रहा है। बेला की मनोवेदना को पहचानने की क्षमता उसने खो दी है। बेला का एकांत में विरह निवेदन उसकी भाव प्रवणता को और भी उत्तेजित करता था। पलाश का जंगल उसकी कातर कुहक से गूंज रहा था। सहसा उस निस्तब्धता को भंग करते हुए घोड़े पर सवार ठाकुर साहब वहां जा पहुंचे। अरे बेला, तू यहां क्या कर रही है? बेला की स्वर लहड़ी रुक गई। उसने देखा ठाकुर साहब, महत्व का संपूर्ण चित्र, कई बार जिसे उसने अपने मन की असंयत कल्पना में दुर्गम शैल्य श्रृंग समझकर अपने भ्रम पर अपनी हंसी उड़ा चुकी थी। वह सकुचाकर खड़ी हो रही, बोली नहीं, मन में सोच रही थी, गोली को छोड़कर भूरे के साथ रहना क्या उचित है? और नहीं तो फिर, ठाकुर ने कहा, तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कोई जानवर निकल आए तो? बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठाकुर का प्रमाद बढ़ चला था। घोड़े से झुककर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, चलो तुमको पहुंचा दें। उसका शरीर कांप रहा था और ठाकुर आवेश में भर रहे थे। उन्होंने कहा, बेला मेरे यहां चलोगी? भूरे मेरा पति है। बेला के इस कथन में भयानक व्यंग था। वह भूरे से छुटकारा पाने के लिए तरस रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ठाकुर की जांग से सटा दिया। एक क्षण के लिए दोनों चुप थे, फिर उसी अंधकार में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। कठोर कंठ से भूरे ने पुकारा, बेला। ठाकुर सावधान हो गए थे, उनका हाथ बगल की तलवार की मूठ पर जा पड़ा। भूरे ने कहा, जंगल में किस लिए तू आती थी यह मुझे आज मालूम हुआ,
चल तेरा खून पिए बिना ना छोड़ूंगा। ठाकुर के अपराध का आरंभ तो उनके मन में हो ही चुका था। उन्होंने अपने को छिपाने का प्रयत्न छोड़ दिया। खून करने के पहले अपनी बात भी सोच लो, तुम मुझ पर संदेह करते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो अब मैकू आगे आया। उसने कहा, सरकार बेला अब कंजरों के दल में नहीं रह सकती। तो तुम कहना क्या चाहते हो? ठाकुर साहब अपने में आ रहे थे, फिर भी घटना चक्र से विवश थे। अब यह आपके पास रह सकती है, भूरे इसे लेकर हम लोगों के संग नहीं रह सकता। मैकू पूरा खिलाड़ी था। उसके सामने उस अंधकार में रुपए चमक रहे थे। ठाकुर को अपने अहंकार का आश्रय मिला। थोड़ा सा विवेक जो उस अंधकार में झिलमिला रहा था बुझ गया। उन्होंने कहा, तब तुम क्या चाहते हो? 1000। चलो मेरे साथ, कहकर बेला का हाथ पकड़कर ठाकुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया। भूरे कुछ भुनभुना रहा था, पर मैकू ने उसे दूसरी ओर भेजकर ठाकुर का संग पकड़ लिया। बेला रिकाब पकड़े चली जा रही थी। दूसरे दिन कंजरों का दल उस गांव से चला गया। ऊपर की घटना को कई साल बीत गए। बेला ठाकुर साहब की एकमात्र प्रेमिका समझी जाती है। अब उसकी प्रतिष्ठा अन्य कुलवधुओं की तरह होने लगी है। नए उपकरणों से उसका घर सजाया गया है। उस्तादों से गाना सीखा है। गढ़ के भीतर ही उसकी छोटी सी साफ सुथरी हवेली है। ठाकुर साहब की उमंग की रातें वहीं कटती है। फिर भी ठाकुर कभी कभी प्रत्यक्ष देख पाते कि बेला उनकी नहीं है। वह न जाने कैसे एक भ्रम में पड़ गए। बात निभाने की आ पड़ी। एक दिन एक नट आया, उसने अनेक तरह के खेल दिखलाए। उसके साथ उसकी स्त्री थी, वह घूंघट ऊंचा नहीं करती थी। खेल दिखलाकर जब अपनी पिटारी लेकर जाने लगा तो कुछ मनचले लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारी स्त्री कोई खेल नहीं करती क्या? करती तो है सरकार, फिर किसी दिन दिखलाऊंगा, कहकर वह चला गया। किंतु उसकी बांसुड़ी की धुन बेला के कानों में उन्माद का आह्वान सुना रही थी। पिंजड़े की वन विहंगिनी को वसंत की फूली हुई डाल का स्मरण हो आया था। दूसरे दिन गढ़ में भारी जमघट लगा। गोली का खेल जम रहा था। सब लोग उसके हस्त कौशल में मुग्ध थे। सहसा उसने कहा, सरकार एक बड़ा भारी दैत्य आकाश में आ गया है, मैं उससे लड़ने जाता हूँ। मेरी स्त्री की रक्षा आप लोग कीजिएगा। गोली ने एक डोरी निकालकर उसको ऊपर आकाश की ओर फेंका। वह सीधी तन गई। सबको देखते देखते गोली उसी के सहारे आकाश में चढ़कर अदृश्य हो गया। सब लोग मुग्ध होकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी को यह ध्यान नहीं रह गया कि स्त्री अब कहाँ है। गढ़ के फाटक की ओर सबकी दृष्टि फिर गई। गोली लहू से रंगा चला आ रहा था। उसने आकर ठाकुर को सलाम किया और कहा, सरकार मैंने उस दैत्य को हरा दिया, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। सब लोग उस पर प्रसन्न होकर पैसों रुपयों की बौछार करने लगे। उसने झोली भरकर इधर उधर देखा, फिर कहा, सरकार मेरी स्त्री भी अब मिलनी चाहिए, मैं भी। किंतु यह क्या, वहां तो उसकी स्त्री का पता नहीं। गोली सिर पकड़कर शोक मुद्रा में बैठ गया। जब खोजने पर उसकी स्त्री नहीं मिली तो उसने चिल्लाकर कहा, यह अन्याय इस राज्य में नहीं होना चाहिए। मेरी सुंदरी स्त्री को ठाकुर साहब ने गढ़ के भीतर कहीं छिपा दिया, मेरी योगिनी कह रही है। सब लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा यह कोई दूसरा खेल दिखलाने जा रहा है। ठाकुर ने कहा, तो तू अपनी सुंदर स्त्री मेरे गढ़ में से खोज ला। अंधकार होने लगा था। उसने जैसे घबराकर चारों ओर देखने का अभिनय किया, फिर आंख मूंद कर सोचने लगा। लोगों ने कहा, खोजता क्यों नहीं, कहाँ है तेरी सुंदर स्त्री? तो जाऊं ना सरकार? हाँ हाँ, जाता क्यों नहीं, ठाकुर ने भी हंसकर कहा। गोली नई हवेली की ओर चला। वह निशंक भीतर चला गया। बेला बैठी हुई तन्मय भाव से बाहर की भीड़ झरोखे से देख रही थी। जब उसने गोली को समीप आते देखा तो वह कांप उठी। कोई दासी वहां न थी, सब खेल देखने में लगी थी। गोली ने पोटली फेंक कर कहा, बेला जल्द चलो। बेला के हृदय में तीव्र अनुभूति जाग उठी थी।
एक क्षण में उस दीन भिखारी की तरह जो एक मुट्ठी भीख के बदले अपना समस्त संचित आशीर्वाद दे देना चाहता है, वह वरदान देने के लिए प्रस्तुत हो गई। मंत्र मुग्ध की तरह बेला ने उस ओढ़नी का घूंघट बनाया। वह धीरे धीरे उसके पीछे भीड़ में आ गई। तालियां पिटी, हंसी का ठहाका लगा। वही घूंघट, न खुलने वाला घूंघट, सायकालीन समीर से हिलकर रह जाता था। ठाकुर साहब हंस रहे थे, गोली दोनों हाथों से सलाम कर रहा था। रात हो चली थी। भीड़ के बीच में गोली बेला को लिए जब फाटक के बाहर पहुंचा, तब एक लड़के ने आकर कहा, एक्का ठीक है? तीनों सीधे उस पर जाकर बैठ गए। एक्का वेग से चल पड़ा। अभी ठाकुर साहब का दरबार जम रहा था और नट के खेलों की प्रशंसा हो रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।